किसी भी विद्यार्थी को ये 5 लक्षण अवश्य होना जरूरी है। अगर विद्यार्थी के पास ये 5 लक्षण नहीं है तो वे एक अच्छे स्टूडेंट बन नहीं सकते हैं, वो अपने जीवन में फेल्योर के सिवा और कुछ चीज़ देख नहीं सकते हैं। शास्त्रों में इस लक्षण का उल्लेख किया गया है, विद्यार्थी नाम पंच लक्षणम, विद्यार्थी के नाम पंच लक्षण है। वो लक्षण हमेशा आप में विद्यमान होना चाहिए। पहला, अल्पहारी, यानी विद्यार्थी को अल्पहारी होना चाहिए, यानी आप थोड़ा थोड़ा भोजन करें, एक बार पूरा भरपेट भोजन ना करें, क्योंकि भरपेट भोजन करने से आलस आती है, आलस आने से नींद आती है, और जब नींद आ जाएगी तो आप अच्छे से पढ़ाई न कर सकते हैं। इसलिए आप में ये 5 लक्षण में पहला लक्षण बहुत जरूरी है, एक बार भरपेट भोजन ना करें, यानी आपको अल्पहारी होना बहुत जरूरी है। सेकेंड लक्षण, गृह त्यागी, जब आप छोटे बच्चे रहते हैं तो घर में पढ़ सकते हैं, लेकिन जब आप एक अच्छे क्लास 9th 10th में आ जाते हैं तो आपको गृह को त्याग करना पड़ेगा। अपने मम्मी पापा जहां बैठते हैं, भाई बहन जहां बैठते हैं, छोटे छोटे बच्चे जहां बैठते हैं, वहां आपको बैठकर पढ़ना नहीं चाहिए। अपने घर में ही एकांत जगह खोजना चाहिए, जहां कोई नहीं जल्दी आता हो वहां बैठकर पढ़ना चाहिए। यानी शास्त्रों में यह कहा गया है कि जब भी आप पढ़ाई करें, गृह त्यागी होना चाहिए, घर के एकांत स्थान पर बैठ के आप पढ़ाई करें, नहीं तो कहीं और दूर जाके पढ़ाई कर सकते हैं, ये भी आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आप मम्मी पापा जहां बैठते हैं वहां बैठ के पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तीसरा लक्षण है श्वान निंद्रा। श्वान मीन्स होता है कुत्ता, निंद्रा मीन्स होता है नींद। आपको कुत्ते के समान नींद होना चाहिए, यानी थोड़ी सी भनक लगे तो आपकी नींद टूट जानी चाहिए। अगर आप कोई लक्ष्य निर्धारित किए हैं कि इस समय मुझे पढ़ना है, उस समय हर हालत में आपको उठना चाहिए और उस समय से पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। इसलिए आपका नींद कभी भी गहरा नहीं होना चाहिए, श्वान यानी कुत्ता के समान नींद होना चाहिए। जैसे कुत्ता को थोड़ा भी देखते हैं आप, उसके बगल से भी निकलिएगा तो उसका नींद टूट जाती है। इसलिए एक विद्यार्थी को कुत्ता के समान नींद होना चाहिए। और चौथा पॉइंट है आपको पको ध्यानम, बको, बको मीन्स होता है बगुला। आपका ध्यान बगुला की तरह होना चाहिए, जिस तरह बगुला तालाब के किनारे अपनी मछली पर उस ध्यान से तब तक ध्यान लगाए रहता है जब तक उस अपने मंजिल यानी उसको उस मछली को प्राप्त ना हो जाए जिसको वो प्राप्त करना चाहता है। उसी तरह विद्यार्थी को भी अपने लक्ष्य को ध्यान में रखना चाहिए, जब तक वो लक्ष्य को प्राप्त ना कर ले तब तक उस लक्ष्य के अनुरूप मेहनत करना चाहिए। और पाँचवा और लास्ट है काक चेष्टा। अब विद्यार्थी को कभी भी स्थिर नहीं रहना चाहिए, हर हमेशा कुछ काक मतलब होता है कौवा, कौवा की तरह आपकी चेष्टा होना चाहिए। जैसे कौवा एक क्षण एक जगह स्थिर नहीं रह सकता है, उस चंचलता आप में होना चाहिए। आपकी सीखने की ललक कौवा की तरह होना चाहिए, जैसे कौवा इतना चंचल होता है कि उसको एक चीज़ से संतुष्टि नहीं मिलती है, उसी तरह आपको भी कौवा की तरह चंचल होना चाहिए, यानी आपको सीखने की ललक होनी चाहिए। यदि ये 5 लक्षण आप में हो जाएंगे तो आपको लक्ष्य प्राप्ति करने से पूर्ण हो सकता है।